اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات ये हमारे सामने है लबे ज़ैनब का ये हमारे सामने लुट गया कुन बा मोहम्मद का हमारे सामने है लबे ज़ैनब का ये हमारे सामने दिल है धुआं सा जब ये आता है ख्याल जल गया बेशीर का झूला हमारे सामने तप रहा है आबिद बीमार का जिसमें बदन है यही जलता हुआ खेमा हमारे सामने कर्बला की रेत पर चारों तरफ बिखरा हुआ है अबू तालिब का सरमाया हमारे सामने
से हम बता सकते नहीं और कोई सुन सकता नहीं। पेश आए मरहले क्या क्या हमारे सामने, देर तक आँखों से और फील हो बहता रहा। करबला का नाम जब आया हमारे सामने, है लबे ज़ैनब का ये नौहा हमारे सामने। नारे सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين أبي القاسم محمد الله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام، مومنین ذوی الاحترام، سلسلے کی پانچویں مجلس کی مناسبت سے آئے کریمہ کے فقروں کا شرف حاصل ہوا تلاوت کر کے، کہ جس میں خدا بند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوال کرو صاحبان ذکر سے اگر تم نہیں جانتے تو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ صاحبان ذکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے تمام علوم کا خزینہ دار بنایا ہے، اور تمام علوم عطا کر کے ان کو یہ بتایا ہے ہمیں کہ اگر تمہیں دنیا میں کسی بات کے پوچھنے کی ضرورت پڑے، تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہو، تمہیں کچھ جاننا ہو، تو کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ رسول کا دروازہ کون سا ہے، یہ دیکھنا رسول کے بعد علی جس کو بتائیں، یعنی علی یا ابن ابی طالب، ان کا دروازہ کون سا ہے، علی کے بعد اگر بتایا جائے امام حسن جانشین قرار پائیں گے تو پھر ان کے دروازے پر جا کے پوچھنا. یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت تو نہ دی گئی، لیکن یہ ضرور پوچھا گیا کہ مولا یہ کیا ہے، یہ بتائیے، یہ ہو گیا، یہ بتائیے، یہ فیصلہ کر دیجئے. ہیں حکومت کوئی سنبھالے ہوئے تھا، قضاوت کے فیصلے کوئی کرتا تھا، اس لیے کہ میراث علم ان کے پاس تھی، تخت و تاج قبضہ کر کے دوسروں نے رکھا ہوا تھا. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ
क्या पूछते हो हमसे, इस बच्चे के पास चले जाओ, ये बता देगा। तो लोग कहते थे ये बच्चा क्या बताएगा। कहा पूछ के तो देखो, तुम्हें तुम्हें सवाल करने की, ये नहीं है कि आदमी जो है सवाल कर रहा है तो उसका सवाल ही ठीक है। हो सकता है तुम्हें सवाल करने का सही तरीका ना मालूम हो, लेकिन ये वो बारगाह है कि जहाँ से जवाब तुम्हें सही मिलेगा। अक्सर लोग आए हैं ना, तो मौलाना ने ये क्या कहा, नहीं नहीं तुम जो है अपने सबकत लसानी की वजह से, लकलकाए जबानी की वजह से गलत सवाल पूछ बैठे हो, क्या तुम्हें ये पूछना था। कहने लगा हाँ हाँ मौला यही पूछना था, मैं जबान से ये कह गया। तो ये वो है कि जिन्हें ये मालूम है कि तुम्हारे सवाल भी क्या हैं, तो फिर अब जवाब जो ये दे देंगे उसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा। एक सलवात पढ़ें अज़मत आले में, जिसने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दिया था खाजी शुरह, ये कौन है, ये खाजी है, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। मतलब आपका दौरे खिलाफत नहीं है, दौरे खिलाफत होता तो वो क्यों करते। अली से बड़ा कौन खाजी है, अली खुद मसनद खजावत पर बैठते, क्यों जिस अली ने ये कहा हो कि अगर मुझे मसनद खिलाफत पर बैठा दिया जाए तो मैं साहिबान अहल तौरात का फैसला तौरात के ज़रिए से, इंजील का, इंजील वालों का जरिया फैसला इंजील के ज़रिए से, और मुसलमानों का कुरान के ज़रिए से, ज़बूर वालों का जनाब दाऊद वालों का ज़बूर के ज़रिए से, यानी ये बता दिया कि अली उस शख्सियत को कहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान भी हो, उसकी किताबें कोई भी हों, किसी पैगम्बर पर नाजिल हुई हों, अगर वो सवाल पूछेगा अपनी शरीयत के मुताबिक तो जवाब उसकी शरीयत के मुताबिक अली देने की ताकत रखता है। क्यों, इसलिए कि जब काबे में आया था तो यही तो कहा था कि तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, पूरे फजाइल नहीं पढ़ूंगा, वरना लोग कह देंगे कि साहब रोज यही पढ़ रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है सिलसिले में तो कहना पड़ता है। तो वो अली नहीं बताएगा कि तौरात वालों का मसला क्या है, इंजील वालों का मसला क्या है, कुरान वालों का मसला क्या है, तो फिर कौन बताएगा। और जब अली ना होंगे तो हसन बताएंगे, हसन ना होंगे तो हुसैन बताएंगे, हुसैन ना होंगे तो जैनुल आबदीन बताएंगे, और जब कोई ना होगा, बारहवें इमाम गैबत में होंगे, तो फसलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, हम किससे पूछने जाएंगे, तो मौला फरमाएंगे हमारे रावियों की तब रुजू कर लेना, ये बताएंगे कि सही शरीयत क्या है। सलावत पढ़िए अज़मत आले में, सारी तमहीद छोड़ते हुए यकीन जानिए कि इस तालिबे इल्म को अगर आप इस मौके पर एक दो घंटे की मजलिस पढ़ने दीजिए तभी मज़ा आएगा आपको, है नहीं। तो अब सुनिए, शेख बहाई, भाई नहीं बहाई, तारीख़ तशय्यों में चमकता हुआ सितारा आलिम दीन है। इसको बंद करके एक बार खोलिए, सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले, तारीख़ शियत में चमकता हुआ सितारा। कहते हैं कि तुम क्या अहले बैत का इल्म समझोगे, पहले हमारे ग़ुलामों का इल्म समझो। शेख बहाई हैं, मैं आपकी खिदमत में रोज़ अलग अलग चीज़ें इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझें कि अभी हमने अपने उलामा को तो समझा नहीं है। तो वो अहले बैत जिनके लिए लोग कहते हैं आप उन्हीं की फजीलत करते रहते हैं, उन्हीं की मनकबत पढ़ते रहते हैं, उन्हीं के आप जलवा दिखाते रहे, ये भाई माजरा क्या है। माजरा ये है कि भैया हम तो इसलिए उलमा के तस्करे, उलमा के फजाइल, उलमा के मनाकिब पढ़ के बताते हैं कि अभी तुमको तो बहुत दिन लगेंगे आने में, हम तो अभी उलमा को नहीं समझ पाए जो हुसैन के ग़ुलाम थे, जो अली के ग़ुलाम थे, जो अहले बैत के दर से खाली इल्म लिया था, तो इतने करामात उनके अंदर आ गए। शेख बहाई उसमें से एक नाम, शेख भाई कौन है, कहा कि ये देखिए खाली मौलवी बन जाना, मजलिसे पढ़ लेना, ये कमाल नहीं है। अहले बैत ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। अहले बैत पसंद कब करते हैं, कहा जब मिंबर पे आना तो तुम आलिम होना, साइंस भी मजबूत थोड़ी बहुत तो जानते ही होना, ज्योग्राफी भी जानते होना, यानी सारे इल्म, रियाजी का इल्म यानी मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास, तुम्हारे पास फ़लसफ़ा, फिलासफ़ी, मनतिक, इस सब कुछ होना चाहिए थोड़ी थोड़ी।
जितना तुम पढ़ सकते हो, तो दुनियावी पढ़ाई भी मजबूत पढ़िए, तब अहले बैत खुश होंगे। इसीलिए डॉक्टर कलबसाजी साहब कहते थे कि खाली अपने बच्चों को मदरसे ना भेजिए, स्कूल ज़रूर भेजिए, इसलिए कि दुनिया में अगर आपका वखार इज्जत है तो इसी दुनियावी पढ़ाई से। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, उनके आगे मैं आपसे एक जुमला कह देता हूँ कि दुनियावी पढ़ाई जितनी भी पढ़ा दीजिएगा, 2 घंटे उसको दीन की तालीम ज़रूर दीजिएगा, ये दुनिया में सरफराज करेगी, बाइज्जत बनाएगी, लेकिन वो आखिरत में काम आने वाली है। अगर वो ना होगी तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। तो अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़वाइए, हलाल हराम की पहचान जरूर करवाइए। इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं कि अगर हमारा चाहने वाला हलाल हराम में तमीज़ ना रखे तो मैं उसे कोड़े लगवाऊं। जो रहीम और करीम मौला हैं वो हराम और हलाल में इतना स्ट्रिक हैं, इतना ज़्यादा सख्त हैं कि कह रहे हैं कि कोड़े मारे जाएं मेरे चाहने वाले के। ये हमें हमारे घरों में है ही नहीं रहा है कि हलाल हराम। तो बहरहाल शेख बहाई आपने, आप बेहतरीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आपके ज़माने में, दूसरों में कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, ईसाइयों में यहूदियों में कोई नहीं, शिया आलिम दीन थे, सैयद भी नहीं थे, आले रसूल भी नहीं थे, शेख। तो सुनिएगा गौर से, इंजीनियरिंग उनके आगे गिर जाए सजदा कर दे, साइंटिस्ट उनके कदमों में सजदा कर दें। मैं साइंटिस्ट सोचते थे, अच्छा आप भी नहीं, आपने भी नहीं गौर किया, मौला अली का रोज़ा 500 साल पहले तकरीबन बना है, 500 साल तकरीबन पहले, क्योंकि छठे इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में ही तो खबर आश्कार हुई। तो ये रोज़ा जब बना, तो आज आपने सोचा कि सबसे बड़ा गुंबद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, ये इतना बड़ा गुंबद टिका कैसे? इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें बाद में आई हैं, जितने बड़े दुनिया में गुंबद पाए जाते हैं सब बाद के हैं। ये पहला गुंबद है इतना बड़ा, इमाम हुसैन का, हज़रत अली का, आका अब्बास का, और उसमें हज़रत अली का सबसे पहला, ये क्या हुआ? सोचा कभी हमने नहीं। तो अब सुनिए शेख बहाई के बारे में 2-4 बातें, उसके बाद में ज़हमत तमाम। आपने एक मस्जिद चहल सुतून बनाई ईरान की सरजमीन पर, दरिया के किनारे, चहल सुतून, चहल कहते हैं 40 को, सुतून कहते हैं पिलर को, खम्भे को, बनाई, नाम चहल सुतून है लेकिन पिलर उसके 20 पिलर हैं। लेकिन जब इंसान देखता है तो देख के धोखा यही होता है कि 40 हैं, वो 20 ऐसे बनाए हैं कि दरिया में उसका जब अक्स पड़ता है तो वो अक्स नहीं नज़र आता बल्कि पूरे पिलर नज़र आते हैं जो 40 दिखते हैं। अब ये बताइए कि ये इंजीनियरिंग, ये कलाकारी, ये साइंस का इल्म, ये रियाजी का इल्म, जो कुछ उनके पास था, ये इल्म खाली दुनिया के इल्म हासिल करने से आ गया था या इसमें खुदा का कोई लुत्फ करम भी शामिल हाल था? ये उस दर से वाबस्तगी थी कि जो मखज़न इल्म है। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुवा व माजन रिसाला व मुख्तलिफ अल मलाइका व महफत अल वही व खुज़ान अल इल्म, ऐ इल्म के खजानों आप पर सलाम। तो इल्म यहाँ से ना लिया जाएगा, जो खजाने तो भी कहाँ से लिया जाएगा? सलवात पढ़े हज़रत आले मुहम्मद। फिर आपने एक पुल बनाया, दरिया आप चले जाइए, दरिया जाइए और एक कागज़ ले लीजिए, और कागज़ को यूँ आप जैसे मसलते हैं मसल दीजिए, दरिया के किनारे पे फेंक दीजिए, उसी के साथ फौरन 2 लोग चले जाएं, मैं हूँ, शहजादे साहब हैं, हमने कहा एक आप लीजिए एक मैं लेता हूँ, आप बीच में फेंकिएगा दरिया में और मैं किनारे, इनका जो है वो चलता चला जाएगा और मेरा पीछे होता चला जाएगा, क्योंकि दरिया के किनारे पे बहाव कम होता है और बीच में ज़्यादा, जो तवस्सुत करीब आता जाएगा वो धारा तेज़ होता जाएगा और किनारों पर धारा कम। ये दरिया का बहाव है, कहीं चले जाइए, समंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, दरिया नहरे। आपने बनाया 33 दरों का पुल, 33, और जब आपने बनाया तो चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे कुछ हो, यानी सूखा पड़ता है तो दरिया खुश्क हो जाते हैं ना, ये वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहा इसका सिस्टम जो बनाया है वो ऐसा है कि जितना पानी बीच में बहता है उतना ही किनारे बहता है, उतना ही इधर बहता है। तो जब पूरे दरिया का साल भर पानी 11 महीने ज़ाया नहीं होता तो 12वें महीने सूखा भी नहीं पड़ता है। सलावत पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर। ये जलवे हैं उनकी साइंस के। मीनार बनाए वहाँ 4, 2 50 फिट के, 2 30 फिट के, मीनार पर चढ़ जाइए आप, यहाँ की मीनार हिल जाए
तो हम सब हिल जाएंगे। सलवार पढ़िए उसमें आले मोहम्मद, मीनार के ऊपर चढ़ जाइए और एक मीनार को खड़े होकर ऊपर से हिलाइए तो चारों मीनारें हिलेंगी। ये जलवा था इल्म का, साइंस का, इंजीनियरिंग का। और उसके बाद सुनिए, हमाम बनाया। हमाम पहले हुआ करते थे, घरों में नहीं नहाया जाता था, ये दस्तूर था। और ये आपने देखा भी होगा मुख्तारनामे में झलक दिखाई गई है सीरियल में कि सब जा रहे हैं तो पैसे दे के जब सब नहाने जाते थे तो हमाम में सिस्टम बनाया जाता था गर्म पानी का भी। लेकिन आपने जो हमाम बनाया उसका पानी हमेशा गर्म आता था, क्योंकि शरीयत ने कहा है कि हमेशा गर्म पानी से नहाइए, इस्तेमाल कीजिए। और पानी का तरीका बताया नहाने का, पहले पैरों पर डालिए, फिर आधे बदन पर डालिए, फिर ऊपर, एकदम से नहीं वहाँ बाल्टियाँ डालनी और शावर खोल दिया। तो बहरहाल हर चीज़ का एक तरीका, ये मौजू नहीं है अभी मेरा। तो उन्होंने जब बनाया तो उन्होंने देखा कि वो पानी जो है वो वहाँ पर गर्म नहीं आता जहाँ पर सब लोग नहा रहे हैं, उसमें गर्म जो पानी वहाँ तो गर्म आ ही रहा है लेकिन वहाँ पर वो गर्म नहीं हो रहा है। गर्म कहाँ पर हो रहा है? कहा कि जहाँ से पानी के आने का रास्ता है वहाँ से ही पानी गर्म आता है। लोगों को ताज्जुब हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो जब उनके मरने के बाद इसकी तहकीक की गई तो देखा उसके नीचे एक चिराग जल रहा है, एक चिराग इतने बड़े हमाम के पानी को। तो पता चला ये चिराग से पानी नहीं है, ये तो लोगों को दिखाने के लिए कि एक चिराग जल रहा है। कहा उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जिससे कुछ गैसें जो है मुख्तलिफ गैसें उससे होके गुजरती थी, उन गैस के जरिए से कुछ ऐसा माहौल बनता था, कुछ ऐसा सिस्टम बनता था कि वहाँ पर गर्मी पैदा होती थी, उस गर्मी से उसके ऊपर से गुजरने वाला पानी सारा गर्म हो जाता था। अब जब वहाँ पहुँचता था पानी तो सबको गर्म पानी मिलता था। एक सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद। ये तो हो गई ये सारी बातें, अब आइए चले मौला की। तो आप तो मौला की सुनना चाहते हैं ना बातें। हरम अमीर अलमोमिनीन अलैहि सलातो वसलाम की जब तामीर हुई तो सबसे बड़ा इंजीनियर वहाँ मालूम है कौन था? यही मौला का खादिम शेख बहाई है। तो कहा कि रोज़ा बनना है, कहा हाँ अभी नहीं, अभी मुझे दिमाग लड़ाने दो। कहा मैं दिमाग लड़ रहा है भाई, कहा मैं सोच रहा हूँ कि जिसके लिए सूरज पलट जाए, जिसके लिए ये सूरज पैदा हो, जिसके लिए चांद बनाया जाए, जिसके लिए कायनात कल की जाए, मैं चाहता हूँ जब वो निकले तो पहली सलामी दे। क्या मतलब? कहा यानी सूरज निकले तो पहले गुम्बद हजरत मौलाए कायनात पर अपनी रोशनी डाले और सलाम करे, सलाम करे। आप क्या करते हैं सुबह? सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं दो रकत, और फिर क्या करते हैं? ज़ियारत, पहले अल्लाह फिर मौला। तो सूरज भी कुरान कहता है यसब्बहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वा फिल अर्ज़ अल मलिकुल क़ुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम, यानी ये कायनात में ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं तस्बीह किसकी करती हैं? अल्लाह की। तस्बीह करने के बाद मालूम है विलायत का इकरार करती हैं, मोहब्बत का इजहार करती हैं। तो सूरज भी पहले खुदा की इबादत करने के बाद अली को सलाम कैसे करता है कि पहली किरण गुम्बद हज़रत अमीर अल मोमिनीन पर पड़ती है? कहा ये कैसे मुमकिन है? आप अपने घर में अंदाज़ा लगाइए, जाड़ों में जहाँ पर धूप शुरू होती है आपके घर में, गर्मियों में वानी शुरू होगी। गर्मियों में जहाँ पर शुरू होती है आपको वहाँ पर बरसात में नहीं मिलेगी, पूरे साल आपका सिस्टम चेंज होगा। क्या सूरज गलत जगह से निकलता है? नहीं, वक्त में चेंजिंग आती है, बदलाव आता है, दुनिया घूमती है, सूरज वहीं से निकलता है और वहीं मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है। लेकिन दुनिया घूम रही है और ये जब घूम रही है तो ये रात और दिन गर्दिश कर रहे हैं, ये लैलो नहार की गर्दिश से दिन वजूद में आ रहे हैं, डेट्स जिसको आप तारीख कहते हैं ये वजूद में आ रही हैं। जब ये वजूद में आती हैं तो हफ्ते वजूद में आते हैं, हफ्ते वजूद में आते हैं तो क्या महीने वजूद में आते हैं, महीने वजूद में आते हैं तो साल, साल वजूद में आते हैं तो सदियां। कहा ये वजूद में आना ये सूरज को तुम्हारे घर में कभी यहाँ धूप देगा, कभी यहाँ धूप देगा, कभी यहाँ धूप देगा। कहा लेकिन अमीर अलमोमिनीन के रोज़े को उस सिस्टम से बनाऊँगा कि सूरज कहीं से निकले लेकिन पहली किरण अमीर अलमोमिनीन के गुंबद पे होगी। ये है इल्म खाली गुलाम आले मोहम्मद। जब आले मोहम्मद के गुलामों के इल्म का हाल ये है तो जिनसे सवाल का हुक्म दिया है उनके इल्म का क्या आलम होगा। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, 9:45 ठीक बज गया है नहीं, 15 मिनट में मातम खत्म हो जाए, 9 बजे उनकी मस्जिद इंशाल्लाह वाजिद भाई के शुरू हो जाए।
तो अजीज़ान गिरामी, हमको ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए है कि जो मखज़न इल्म है उससे हम हासिल क्या कर रहे हैं। मौला अली कहते थे ना, कुएं में मुंह डाल के कहते थे कि है कोई जो सीने में छाटे मारता हुआ इल्म का समंदर उससे इस्तेफादा कर ले। तो कहते थे सर में कितने बाल हैं। मौला कहते थे अगर बता भी दूँ तो तुम यकीन कैसे पैदा करोगे। आसमान में कितने सितारे हैं, मैं बता तो दूंगा, तुम कैसे यकीन पैदा करोगे। हम वो पूछे, आप सोचिए कि मौला भी सोचते होंगे चाहने का दावा करने वाले कैसे हैं। लोग आए थे कहने लगे हम आपसे पूछ रहे हैं तो आए इल्म की बात, लेकिन याद रखिए हम आपके चाहने वाले नहीं हैं। मौला ने ये नहीं कहा चलो भागो हम नहीं बताएंगे। मौला ने खुशी महसूस की हमारा इल्म लिया, तो आज जो ये दुश्मनी कर रहा है कल ये हमारा इल्म हमारा इखलाक हमारा किरदार लेने के बाद ये खुद कहेगा मौला आए तो दुश्मन बन के थे लेकिन अब आपके दोस्त हैं। चार पांच इमामों के वाकये मौजूद हैं, आए तो दुश्मन बन के थे। उमर इब्ने खत्ताब का गुलाम आया है मौला की खिदमत में, उमर इब्ने खत्ताब की नस्ल से, गुलाम नहीं उनकी नस्ल से आया है एक शख्स और आके कहने लगा कि हम तो आपके दुश्मन है, आपसे इजहार बेजारी करते हैं। जब अखलाक व किरदार देखा, जब उसने सारी अपनी हरकतें कर ली, अखलाक रजीला दिखा लिया, तो अब अखलाक हसना दिखाया उन्होंने। जब अखलाक हसना दिखाया तो कहने लगा कि क्या आप मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि मैं आपका हो जाऊं। तो अब पता चला कि ये हर एक को कहना पड़ता है, क्यों ये रस्म है, तुम्हारे दादा ने भी तो यही कहा था अली ना होते तो हलाक हो जाता, तो अब जाफर सादिक ना होंगे तो हलाक हो जाओगे। सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पांच मुहर्रम हो गई। आप सोचिए कि कितनी अजीब बात है, आप दुनिया के प्रोग्राम ले लीजिए, आदमी चार पांच प्रोग्राम करके थक जाएगा और आप अपने जहन में बनाए में यहाँ जा रहे हैं। अभी इनके बाद मुन्ना साहब के यहाँ के बाद नायाब साहब के यहाँ जाना है, उसके बाद बादशाह साहब के यहाँ, अली रज़ा साहब के यहाँ, नफी अब्बास साहब मरहूम के अज़ा खाने की मजलिस होगी वहाँ चलना है, उसके बाद वाजिद साहब के यहाँ मजलिस होगी है, और फिर आपका शेड्यूल उफरान माफ जाना है या आगा बाखिर जाना है या आपको शिया कालिक जाना है। अब तो वहाँ सुबह नहीं होती शाम को होती है, लेकिन बहरहाल जाना है आपको। फिर आपने सोचा एक बजे सैयद मियाँ साहब छोटे मामबाड़े में पढ़ लें वहाँ जाया जाए, कि पाँच बजे रज़ा हैदर साहब सादत अली खां में पढ़ लें वहाँ जाया जाए, कि अली अब्बास खान साहब सुबह नौ बजे नाजिम साहब में पढ़ लें और शाम को वहाँ पढ़ लें शाह नजब में वहाँ जाया जाए। आप अपना शेड्यूल बनाए हुए हैं, क्यों या आप यहाँ क्यों लेके आए। हमारे अमल में तो कमी है कमजोरी है, लेकिन हमारी उनसे अकीदत में कमजोरी नहीं, इसलिए कि हमारे माँ बाप ने घुट्टी में पिलाया बचपन से। यह आज़ादारी कोई हादसे में हमको नहीं मिली है, यह आज़ादारी हमको सौंपी है किसी ने कि तुमको करना है। यही तो कहा था ना कि कौन रोएगा, फिर कहा तुम क्यों परेशान होती हो जहरा। मौला अली ने फरमाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे को अपने घर में अपने घर वालों के सामने फरमाया उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, या अबरत कुल मोमिनिन, ए हर मोमिन की आँख के आंसू हुसैन। शहजादी से कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे हुसैन के बाद रहती दुनिया तक के मर्द तुम्हारे मर्दों को, औरतें तुम्हारी औरतों को, बच्चे तुम्हारे बच्चों को रोएंगे। आज आप आ गए हैं तज़किरा हुसैन इब्ने अली के लिए फर्श अज़ा पर, कोई आदमी नाश्ता करे हुए है कोई नहीं करे हुए, कोई इंसान है रात को खाना खा पाया था कि नहीं खाया था। अच्छा कुछ लोग जल्दी खा लेते हैं कुछ लोग देर में खाते हैं, जिसने जल्दी खा लिया था आठ बजे उसके लिए सोचिए अब तक कितना वक्त हो गया। नमाज फज्र के बाद से ये सब निकलते हैं, इनका मुकाम कभी कम ना समझिएगा। ये मजलिसें करिए तो कम से कम एक तरबियत को बाकी रखिए कि ये दर हुसैन इब्ने अली कौन सा दर है, यहाँ किसी की चप्पल के ऊपर पैर न पड़ने पाए, क्योंकि ये एक हुसैनी की चप्पल है, ये एक अज़ादार की चप्पल है, जिससे सैयद सज्जाद अपने घर में बैठ के भी उस जगह पर बैठ जाते हैं। हमारे घर जब कोई आए तो इनका शुक्रिया अदा करिए और कहिए तुमने मेरे पे एहसान किया, तुम मेरे घर आए मेरे घर की मजलिस मुनक़िद हो गई, शायद फातिमा ज़हरा कबूल कर लें, लेकिन हम
इसमें लगे हुए हैं, किसी को धक्का दिए दे रहे हैं, किसी को तबर्रुक दिल से नहीं। देखिए हर चीज़ करिए अंदर से छलक रहा हो इनके लिए मोहब्बत का जाम कि मौला ये आपके जवा, ये आपके खादिम, ये आपके अज़ादार हैं, ये सब लायक एहतराम हैं, इनके इनकी चप्पलों पर पैर ना पड़ने पाए, इनके साथ कोई बेहरमती ना हो पाए, इनके लिए इज्जत हमारे सामने इनकी इज्जत ऐसी रहे कि जैसे आपके जव्वार की, आपके आशिक की इज्जत है। बस अज़ीज़ान गिरामी ज़हमत तमाम कर दिया। पाँचवीं मुहर्रम हो गई, आज के दिन तज़किरा किसका किया जाता है? हुसैन के उन भांजों का जो ज़ैनब के नौनिहाल हैं, उन लोगों का जो क्या हुआ था। जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र कौन है? इमाम हुसैन के बहनोई, और इनके बच्चों के वालिद हैं। लोग कहते हैं कि भाई करबला में क्यों नहीं आ गए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, मुख्तार सकफ़ी, इस तरह के जो लोग हैं, इन सब की आप कंडीशंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, कोई बुज़ुर्गी की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई क़ैद की वजह से, या हमें क्या हक़ बनता है कि वो वहाँ नहीं थे? अगर नहीं थे तो अहले बैत ने इनके साथ करम क्यों फरमाया? आप याद रखिए, अहले बैत जो इमाम हुसैन ने वसीयतनामा जो ख़त लिखा है जनाब मोहम्मद हनफिया को, जो बातें कही हैं, अगर मौला राज़ी ना होते तो मोहम्मद हनफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेके जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया है कि जानते थे कि मोहम्मद हनफिया भी कोई वो थोड़ी ना है कि मौला के भाई हैं लेकिन उनका साथ नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, इमाम हुसैन जैसे नहीं है कि मौला अली ने कहा कि ये रसूल अल्लाह के बेटे हसन हुसैन, और ये थोड़ा पीछे हट गए जंगे सिफीन में तो कहा कि नहीं तुम मेरे बेटे हो। ये अली का कहना तुम मेरे बेटे हो, इसका मतलब यह है कि अली राजी हैं, हुसैन राजी। तो अब्दुल्ला बिन जाफर नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मेरी तरफ से और एक जनाब ज़ैनब की तरफ से, ये कुर्बानियाँ हैं जनाब ज़ैनब, इजाज़त मांग रहे हैं वो बच्चे के मरने की इजाज़त दी। चले गए, जाम शहादत नौश कर लिया, मैदान से आका हुसैन और आका अब्बास दोनों भाई लाशें लेके आए हैं अपने भांजों, और लाशें जब लेके आए तो किस दिल से लेके आए होंगे कि बहन क्या कहेगी? जब बहनों की शादियां हो जाती हैं या बहनों की शादियां ना भी हों तो भाई इस बात पर निगाह रखते हैं कि मेरी बहनें तकलीफ़ ना उठाएं, और भाइयों को सिर्फ मोहब्बत बहन से ज़्यादा कोई नहीं करता है ना, तो जब बहनों की तरफ से मोहब्बत मिले तो भाइयों की तरफ से कितनी मोहब्बत होगी कि अपनी बहन को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अजीज़ाने गिरामी ज़रा सोचिए, करबला में कौन सा वक्त पड़ा है कि जब एक चाहने वाली अपनी आशिका बहन के लिए, बहन के बच्चों को अपने हाथों पर दोनों भाई ले के आ रहे हैं, तो क्या ये ना सोचते होंगे अरे जब ले के खेमे में जाएंगे तो ज़ैनब का हाल क्या होगा? लेकिन हाय साबिरा ज़ैनब, अरे बच्चों पे ना रोई, शुक्र खुदा किया, और जब सर आए शोहदा के वहां भी बच्चों पे ना रोई, हुसैन पर रोई, सब्र किया, लेकिन एक मर्तबा सब्र का बांध टूट गया। अब जो पहुंची मदीने, दो छोटे छोटे मुसल्ले, अब जो हुजरे में दाखिल हुई, ए मेरे आलो मोहम्मद मुझे माफ करना, मैंने अब तक तुम्हें ना रोया लेकिन आज तुम्हें याद कर रही हूं, ए मेरे बच्चों। अरे खुदा लानत करे उन लहीनों पर जो मेरे तुम जैसे गुल बदनों को चीर। या रब अफ़ज़हरा वबिया वबालिहा वबनी वसरुल मुस्तौदा फ़ीहा। परवरदिगार इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब की तो